जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का मेरा वीडियो शनि के राशि परिवर्तन को लेकर है कि इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि 17 जनवरी 2023 को कर्म फल प्रदाता न्यायकारी शनि शनि ग्रह हमारे ऊपर कर्मों के ऊपर अधिकार रखने वाले ग्रह। हम जो डेली अपने जिंदगी में कर्म करते हैं वो साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ अपनी नौकरी और व्यापार में जो कर्म करते हैं उस पर अधिकार रखते हैं शनि। इसलिए शनि का परिवर्तन शनि की स्थिति और शनि की दृष्टि हर राशि विशेष को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। 9 ग्रहों में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है तो वो शनि है, क्योंकि अगर काल पुरुष में देखें तो शनि को दशम और एकादश का स्थान कहा गया है, यानी कर्म और लाभ दोनों शनि के हाथ में, कि जैसे तेरे कर्म वैसे तेरा लाभ। तेरे कर्म खराब हैं तो कहीं ना कहीं स्थितियां भी खराब हैं, कर्म अच्छे हैं तो स्थितियां भी अच्छी हैं। यही चीज दिखाती है शनि की साढ़ेसाती, यही शनि की ढैया और यही शनि का गोचर। कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है, अगर देखा जाए वर्तमान में भी जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन 17 जनवरी को वीडियो ये जो शनि है ये राशि परिवर्तन करके कुंभ में आएंगे, यानी पहला चरण कुछ कष्टदायी हुआ क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में शनि गए। जब शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है तो सबसे पहले जीवन में होता है कि आपके चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव आता है। अब चंद्रमा है व्हाइट, शनि है ब्लैक। चंद्रमा है नेचुरल शुभ ग्रह, शनि है नेचुरल अशुभ ग्रह। तो सबसे पहले इसके आपके माइंड के ऊपर असर आना शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्ट्रेस देना शुरू करता है। जब चंद्रमा से बार बार शनि हो तो अनिद्रा की शिकायत होती है कि नींद ठीक प्रकार से नहीं आती, मन बेचैन रहता है, मन में कोई ना कोई ख्याल उठते रहते हैं, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई नकारात्मक विचार आना, इनसिक्योरिटी फील करना भी शनि के इस ट्रांजिट से देखा जाता है। कि धन को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, हम ये शनि की साढ़ेसाती के पहले चरण से कह सकते हैं। लेकिन अब शनि पहले भी अपनी ही राशि में थे लेकिन अब भी अपनी राशि में आएंगे। लेकिन पहले क्या था, चंद्रमा से 12वें में शनि थे। 12वां घर खर्च और व्यय का है, परेशानियों का है, आपके ने जो मेहनत करी है उसका फल आपको पूर्ण नहीं मिलता, ये 12वां घर है। लेकिन अब जब राशि के ऊपर शनि आएंगे तो साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। एक तो सबसे पहले कुंभ राशि के जातकों के लिए, अब शनि यहाँ स्वराशि के भी होंगे और शनि यहाँ मूल त्रिकोण के भी होंगे, क्योंकि शनि जब कुंभ में होते हैं तो ये मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। 0 डिग्री से 15 डिग्री तक शनि यहाँ मूल त्रिकोण के फल देते हैं, यानी स्वराशि से ज़्यादा स्ट्रांग मूल त्रिकोण का ग्रह कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं शुरुआत में 0 से लेके 15 डिग्री का जो मूल त्रिकोण का समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बेटर वो भी है जब वो स्वराशि के होंगे, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि हम 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर देखें तो 1.25 साल शुरुआती ज़्यादा बेहतर है, बाद में थोड़ा कम प्रभाव हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। अब राशि का मालिक राशि में सबसे पहला फायदा आपको ये होने वाला है कि शनि जब राशि में चलेंगे तो शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। शश योग बनेगा किससे, शनि के द्वारा। तो शनि के कारकत्व में वृद्धि होगी। जो लोग पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जिनका काम ये है कि लोगों से मिलकर काम करना, पब्लिक डीलिंग क्या है, वकालत भी पब्लिक डीलिंग है। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, आप डॉक्टर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपको पब्लिक आपके पास आती है, या आप फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप बैंक के सेक्टर में, ऐसे वो लोग जिनके जीवन में पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये शनि बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शनि को कहा जाता है कर्म कारक। अब शनि जब स्थिर राशि के अंदर गोचर करेंगे तो इसका मतलब है आपके अंदर पहले से अधिक स्थिरता आएगी, पहले से बेहतर आपका अनुशासन हो जाएगा। शनि की ये स्थिति क्योंकि मूल त्रिकोण के साथ साथ शश योग बनाएगी, इसलिए कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स पिछले समय में फेस की है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, खर्च को लेकर हो, धन को लेकर हो, आर्थिक तंगी को लेकर हो, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपको पिछले समय में आई हैं वो सारी सॉर्ट आउट होंगी। ये कॉम्बिनेशन धन के लिए बहुत शुभ, ये कॉम्बिनेशन मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा, ये कॉम्बिनेशन शनि की ये जो गोचर है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल खत्म हो जाएंगे आपकी लाइफ से, व्यर्थ के खर्चे आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके राशि के ऊपर शनि का ट्रांजिट होगा, यानी प्रसन्नता की स्थिति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। शश योग का मतलब है भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि शनि को भूमि का कारक कहा गया है। जो प्लेन लैंड होती है,
ऐसे वो लोग जो भूमि जनित कार्य करते हैं कि भी मेरा काम खनन का है, मेरा काम मटेरियल का है, मेरा काम बिल्डिंग मटेरियल का है, या ऑयल का काम है, माइनिंग्स का काम है, फूल फल सब्जी जो चीज़ें जमीन से निकलती हैं उनके लिए शनि कारक होते हैं, मशीनरी का कारक है, इंजीनियरिंग का कारक है शनि, उन सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब ये राशि के अंदर होंगे तो स्थिर राशि यानी स्वभाव में स्थिरता, आप पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, ज़्यादा आत्मविश्वास फील करेंगे। ये कुंभ राशि वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी वायु तत्व यानी वैचारिक स्थितियां बड़ी तेज होंगी, मन के अंदर बहुत बहुत ख्यालात आएंगे, आप उन ख्यालात पर वर्क करेंगे और उनको आपको फायदा मिलेगा, ऐसा कहते हैं विचारों का आवागमन, दूरदर्शिता, दूर की सोच रखकर कार्य करने का एक कॉम्बिनेशन शनि से ही आपको मिलेगा। यानी शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी 2023 को, और लगभग मार्च अप्रैल 2025 तक की स्थिति शनि की इसी राशि में रहेगी, यानी कह सकते हैं कि भले ही साढ़े साती चल रही हो लेकिन इस साढ़े साती से डरना नहीं है, ये साढ़े साती है आपके लिए राजयोग और धनयोग कारक है, यानी साढ़े साती का दूसरा चरण एक्सीलेंट रिजल्ट देने के लिए तैयार। जब शनि बैठते हैं राशि में, तीसरी दृष्टि देते हैं तीसरे भाव पर, जहाँ ऑलरेडी राहु है और शनि वहां है, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक चीज के लिए नेगेटिव है, अपने से छोटे भाई बहनों से संबंधों के लिए और मित्रों के साथ संबंध ना बिगड़ जाए इसका विशेष ध्यान रखें, यानी समय सभी को दें, साथ सभी का दें। ये शनि जब तीसरे घर पर दृष्टि डालेंगे तो हिम्मत आपकी बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, मेहनत करने की क्षमता बढ़ाएंगे, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि तो तीसरा घर जीवन में टूर ट्रैवलिंग यात्राओं के लिए जाना जाता है। सबसे अच्छी बात होती है सहजता, धैर्य और हिम्मत तीसरे घर से ही आती है, उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। अब यही शनि राशि से सातवें घर पर दृष्टि देंगे, सप्तम भाव राशि का मालिक स्वराशि के ऊपर देख रहा है, पद प्राप्ति के लिए अनुकूल है, ऐसे समय में सामाजिक स्थिति बढ़ती है, राजनीति से संबंधित क्रियाकलाप के लिए यह समय अच्छा है, पद प्राप्ति होगी यानी अच्छी नौकरी मिल सकती है, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको सम्मान बढ़ जाएगा। वहीं शनि की यही स्थिति आती है सप्तम भाव पे दृष्टि की, यानी वैवाहिक संबंधों में अनुकूलता लाना, साथ ही साथ विवाह कराना भी ऐसे ही समय में सक्षम है कि अगर शादी नहीं हो रही है तो शनि यहाँ शादी कराएंगे। शनि की कर्म की दृष्टि दसवीं दृष्टि है, कहाँ पड़ रही है, राशि से दशम भाव में, यानी कार्यक्षेत्र बढ़ेगा ऐसे वो, क्योंकि यहां पर है मंगल की राशि, तो फिर से मंगल शनि का योग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा, मशीनरी के लिए अच्छा, इंजीनियरिंग वर्क के लिए अच्छा, लोहे के पार्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि शनि प्लेन है और मंगल लैंड है जिसपे हम प्रॉपर्टीज खड़ी करते हैं, जिसमें हम ईंटों से पत्थरों से मकान बनाते हैं, तो ऐसी स्थितियां इस कॉम्बिनेशन के लिए अच्छी है। और शनि की कर्म की दृष्टि जब कर्म भाव पर ही हो, यानी कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की मिलेगी, नई नई योजनाएं बनेंगी, उन योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा, यानी शनि का ये गोचर बहुत ही अद्भुत है, ऐसा समय जीवन में बार बार नहीं आता है कि जब शनि अपनी राशि के अंदर भी होंगे, मूल त्रिकोण में भी होंगे और उन पर ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसा ग्रह देगा आपको साढ़े साती चलते हुए भी धनयोग और राजयोग। तो ये था मेरा आज का विषय कि कुंभ राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव शनि के राशि परिवर्तन का। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।